हाय गाइस, आज है रक्षाबंधन और काफ़ी अच्छा दिन था क्योंकि आज ही इंस्टाग्राम पे 100K फॉलोअर्स भी कंप्लीट हुए थे। मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपने भाइयों को, कोई चांस नहीं था उनसे मिलने का, लेकिन लकीली वो लोग मुझसे मिलने आ गए कुछ ही टाइम के लिए। सही, एक्चुअली मेरा उनसे मिलना ज़रूरी था क्योंकि आज मुझे हमारा एक स्टार्टअप अनाउंस करना था अपने सोशल मीडिया पे। सो बिजनेस अगर भाइयों के साथ किया जा रहा है तो उसे अनाउंस करने का रक्षाबंधन से अच्छा दिन और क्या हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरे रियल भाई बहन कोई भी नहीं है, सारे कजिन्स हैं, लेकिन उन कजिन्स के साथ बॉन्डिंग बिल्कुल रियल जैसी है। ऑलराइट, सो हमारे स्टार्टअप का नाम है डॉक्टर सेंगर और ये रहा उसका लोगो। तो जल्दी से मुझे बताओ कि आपको क्या लग रहा है, ये क्या है? स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर्स पहनते हैं। ऑलराइट, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कुछ लिखा भी हुआ दिख रहा है क्या आपको इसके अंदर? अगर नहीं दिख रहा है तो अब देखो। सो ये कोई मामूली स्टेथोस्कोप नहीं है, ये एक टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है डॉक्टर। सो अगर आपने मेरे मेरठ वाले व्लॉग्स देखे हैं तो आपने देखा होगा कि कैसे मैंने अपने भाई काकू के साथ बैठ के मेरे चैनल का लोगो बनाया था और आज उसी भाई के साथ बैठ के ये डॉक्टर सेंगर की वेबसाइट बनाई है। एक्चुअली 90% काम उसी ने किया है, बस मैंने थोड़ा बहुत इनपुट दिया था अपना। सो डॉक्टर सेंगर एक ऐसी सर्विस है जो सिर्फ पेशेंट्स को ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करेगी। लेकिन पेशेंट का तो समझ में आता है, बट डॉक्टर्स को कंसल्टेशन की क्या ज़रूरत है? वेल, ये आइडिया था काकू के बड़े भाई किट्टू का, क्योंकि उसने बताया कि कैसे डॉक्टर्स जब नया हॉस्पिटल खोलते हैं उनको मशीन्स का आइडिया नहीं होता है, रेट्स का पता नहीं होता है, लुट जाते हैं। सो डॉक्टर सेंगर उन डॉक्टर्स को कंसल्ट भी करेगा, प्लस बहुत जेन्युइन रेट्स पे मशीन्स भी प्रोवाइड करेगा उन्हें। एक्चुअली किट्टू खुद एक डॉक्टर है और उसके दो दो हॉस्पिटल्स हैं मेरठ में। मैं वहाँ जाना भी चाहती थी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल्स का शूट करना था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाई आज। किसी और दिन जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी जरूर। अभी के लिए मैंने आपको डॉक्टर सेंगर की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपके कोई डॉक्टर फ्रेंड्स हैं तो आप उन्हें ये लिंक जरूर भेजिएगा क्योंकि इससे उनकी हेल्प हो सकती है। और लास्टली, ये जो लोगो मैंने बनाया था काकू के साथ, मैंने आपसे पूछा था कि इस लोगो में ऐसा क्या खास है जो और किसी लोगो में नहीं है, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। वेल, इसका आंसर ये है कि इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ा जा सकता है, ये खास बात है इस लोगो की। ऐसे वैसे लोगो नहीं बनाते हम। आई एम एन MBA इन मार्केटिंग ब्रो, आई नो हाउ टू थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल।